देखिए जो लोग पान और गुटका खाने के बाद कहीं भी थूक देते हैं ये देखने में तो बहुत ही छोटा सा इशू लगता है लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से रेलवे डिपार्टमेंट को हर साल 1200 करोड़ रुपए इन पान और गुटका के निशान मिटाने में लगता है और इसके अलावा जो इनको साफ करने के लिए पानी लगता है उसकी कॉस्टिंग अलग से और ये सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट का डेटा है अगर हम ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट और पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो जाता है ये इशू इतना बड़ा हो गया कि इंडियन रेलवे को सेंट्रल नॉर्दर्न और वेस्टर्न रेलवे के 42 रेलवे स्टेशन में इजी स्पिट नाम के एक स्टार्टअप के साथ टाइप करना पड़ा है और अलग अलग बायोडिग्रेडेबल स्पिट वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करनी पड़ी है